बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार पर निकले मानवेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी सेना के सम्मान का झूठा दिखावा करती है, क्योंकि अगर बीजेपी वास्तव में सेना का सम्मान करती तो सेना के दो पूर्व अफसरों का टिकट न काटती। मानवेंद्र सिंह ने कहा कि उनके पिता जसवंत सिंह और कर्नल सोनाराम सेना में अफसर रह चुके हैं, बावजूद इसके बीजेपी ने उनका सम्मान नहीं किया और अब जब चुनाव चल रहे हैं तो बीजेपी के लोग सेना के शौर्य की आड़ में वोट की राजनीति कर रहे हैं। अभी तो मंत्र तो सेना पर गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं देशभक्ति के, सेना के, और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में दो पूर्व सैनिकों के लगातार टिकट काटे हैं, तो ये उत्तर तो वही दे सकते हैं कि वो सेना का सम्मान करते हैं या अपमान कर रहे हैं। लोकल दृष्टि से देखें तो अपमान ही हुआ है, क्योंकि यहाँ ये बॉर्डर जिला है, यहाँ से हजारों सैनिक अभी ड्यूटी पर हैं और हजारों पूर्व सैनिक हैं हमारे यहाँ, और दो सैनिक अधिकारियों के टिकट काटा है लगातार, तो अपमान ही है। सेना की दृष्टि से देखें तो अपमान ही है, क्योंकि देश का जो वातावरण बनाया गया, अभी पहले किसी चुनाव में भी सेना के नाम से वोट नहीं मांगे जा रहे थे और सैनिक कार्रवाई के आधार पर वोट नहीं मांगे जा रहे थे। पहली बार एक सैनिक कार्रवाई के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, और इसके कारण लोगों में एक असमंजस हो गया है कि ये किस दिशा में ये देश जा रहा है, और लोगों ने ठेका ले रखा है राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, देश सेवा का, और जिन्होंने ठेका ले रखा है उन्होंने, मैं आश्वासन पूरा आश्वस्त हूँ कि उन्होंने पिछले 7 पीढ़ियों में कोई देश की सेवा नहीं करी है। 7 पीढ़ियों से आगे की 7 पीढ़ी ना सेना में कार्रवाई करी है ना आगे सेना की कार्रवाई करेंगे। बाड़मेर जैसलमेर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह अपनी चुनावी रैलियों में सीधे बीजेपी को ही टारगेट कर रहे हैं। मानवेंद्र सिंह का कहना है कि अब जनता समझदार हो चुकी है और जुमले और झूठे वादों के फेर में नहीं आने वाली। बाड़मेर से राजस्थान तक के लिए दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।